हेलो दोस्तों दोस्तों आज हमारे पास में है एक डेबिट कार्ड और जिसकी हम करने वाले हैं फुल्ली टेयर डाउन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि ये डेबिट कार्ड के अंदर क्या निकलता है और कैसे ये काम करता है। हालांकि ये मेरे पास में पंजाब नेशनल बैंक का ये जो डेबिट कार्ड है और मुझे भी नहीं पता कि इसको कैसे टेयर डाउन करना है या फिर कैसे इसको फाड़ना है। तो चलिए करते हैं और देखते हैं और जानते हैं कि डेबिट कार्ड के अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। तो आप जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि ये जो ब्लैक वाला है ये मैग्नेटिक स्ट्रिप है और ये जो सिम जैसा है ये आइडेंटिफिकेशन करने के लिए होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें इसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं। ये तो उखड़ेगा जैसे तो लगता नहीं है, तो हम इसको काट डालते हैं। सबसे पहले तो हम इसे इधर से काटेंगे, इधर से काट लेते हैं। तो ये हमारा कट गया है। उसके बाद यहाँ पे देखने पे यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो उसके बाद में हम इसे थोड़ा इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो गरम करने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसको गरम कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डेबिट कार्ड की जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है उसके नीचे भी कुछ नहीं मिलता है दोस्तों, तो ये खाली मैग्नेटिक स्ट्रिप है। हाँ शायद इसका इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह अगर होगा तो हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ टेक्नोलॉजी है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई नंबर वगैरह या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कुछ भी कर सकते हैं। तो ये था इस साइड का, तो यही था। अब दूसरे साइड का देखते हैं। दूसरे साइड में जैसे कि हमारा ये नंबर वगैरह लिखा है और यहाँ पे जो सिम जैसा है इसके अंदर हमें क्या निकलता है। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम इसे गर्म कर लेते हैं और गर्म करने के बाद में ये अच्छे से निकल रहा है, तो सबसे पहले हम इसे गर्म कर लेते हैं इस टाइप से। हाँ गर्म थोड़ा हो गया है, यहाँ पे तो कुछ जलने जैसा निशान आ गया है दोस्तों। तो देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। हाँ इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह तो है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जैसे सिम जैसा सिम कार्ड के पीछे जैसे होता है वैसे कुछ इसका टेक्नोलॉजी वगैरह यहाँ पे है जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ आईसी वगैरह या फिर प्रोसेसर वगैरह कुछ भी है, इसे आप अच्छे से देख लीजिए। तो बस यही होता है दोस्तों, और देखते हैं इसको और थोड़ा गर्म करके इसमें और कुछ निकलता है क्या, पर मुझे नहीं लगता कि इसमें और कुछ भी होगा दोस्तों। यहाँ पे छोटा छोटा जो लेयर है लेयर के साथ में इसको बनाया गया है, देख सकते हैं आप ये छोटा छोटा जो लेयर कर करके इसको बनाया गया है। यहाँ पे बस लेमिनेट करने के लिए ये कुछ है, इसमें और कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह है नहीं दोस्तों। हाँ यहाँ पे तो कुछ निकला दोस्तों, यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें निकली जिसकी हमें ज़रूरत थी। तो थोड़ा और गर्म कर लेते हैं। ओके हाँ, तो दोस्तों अभी हमारा जो डेबिट कार्ड है उसको हम फुल्ली जो है कचरा कर चुके हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये जो मैग्नेटिक जो स्ट्रिप होती है इसका कोई काम नहीं है, फालतू के लिए दिया हुआ है दोस्तों। जो सारा काम है ये सारा चिप का है, ये जो चिप जैसा है ये जो सिम जैसा है सारा काम इसी चीज़ का है। और इस टाइप के डेबिट कार्ड में कोई मैग्नेटिक का कोई रोल नहीं है जैसा लगता है मुझे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर का शायद कोई काम हो सकता है जो कि ये व्हाइट कलर की जो स्ट्रिप होती थी उसी के पीछे में लिखा था ये, तो इसका कोई काम हो सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि ये मैग्नेटिक स्ट्रिप का कोई काम है, सारा काम जो है इस आईसी का यानी ये चिप का है। तो आप देख लीजिएगा, देखिए दोस्तों आपको इस वीडियो से पता चल गया होगा कि डेबिट कार्ड के अंदर क्या होता है और ये कैसे काम करता है।
आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी टेक रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कीजिए दोस्तों।